सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को करना है क्या है, आप लोग को चले जाना सिंपली ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड जैसे यहाँ पे आप अपने मॉडल को ऐड करोगे गाइस, आप लोग को जो है अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड करना है। एंड गाइस पोज वगैरह आप देख लो यहाँ पे आपको किस टाइप से करना है, ठीक है। एंड इस टाइप से आपको पोज रखना है। एंड उसके बाद आपको अपने मॉडल को यहाँ पे इतना रख देना है। अभी इसमें गाइस कुछ मतलब कि ये जो है इरेज नहीं हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा पहले इरेज कर लेता हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता तो गाइस उसके ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो चुका है। तो अब आप सभी को करना है क्या है गाइस, यहाँ पे अब आप सभी को जो है यहाँ से अपनी फोटो को जो है डन करना है। एंड उसके बाद चले जाना है आप सभी को एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पहले जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। एंड जाना है आपको रेजर टूल में, फिर इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश का साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड उसके बाद हल्का सा आपको डोजन बर्न करना है आपके अपने मॉडल के ऊपर। ओके गाइस, तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो को यहाँ पे डन कर लेना है। एंड इसको सेव करके लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस वहीं पे रिटच करके जो है हम इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं लाइट रूम ऐप में। मैंने फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा है। तो आप लोगों को करना है कि आपको जाना सिंपली इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जो इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट्स जो है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जो शेडो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो है यहाँ पे ब्लैक्स मिलेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड व्हाइट को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना मिक्स टूल में। मिक्स टूल में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेना है आपको, इसका ल्यूमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देना है। फिर इसके बाद येलो कलर में जाना है आपको, इसका ह्यू माइनस करना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को चले जाना ब्लू कलर में, इसका जो ल्यूमिनस है इसको थोड़ा कम करना है, सैचुरेशन जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर इसका कर देना डन। एंड उसके बाद चले जाना आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में, आपको हमें फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देना है। एंड फोटो में अपनी फोटो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा विग्नेट ऐड कर देना है। फिर चले जाना नीचे वाले टूल में, आपको हमें फोटो की शार्पनेस बढ़ा देनी है, नोट ऑप्शन बढ़ा देना है। एंड फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।